Hello everybody. So welcome back for another interesting different vocabulary session. तो आज हम root words करेंगे. जैसे पिछले sessions में we have covered some group words. So today we're gonna do a root word. So the first root word is bend. So bend is a root word जिसका meaning हमेशा positive ही निकलेगा, right? First word is beneficiary. Very simple one. Beneficiary is referred to a person who receives the benefits. Next is benefactor. Benefactor means a person who gives the benefits, right? Next one is benediction. Again, हमें ये पता है कि ben का मतलब क्या होता है, positive. Benediction का actual meaning होता है blessings. देखो, अगर हम किसी भी words को, चाहे वो group words हैं या root words हैं, अगर हम उसको story के form में याद करने की कोशिश करेंगे, तो we are able to retain those words for a longer period of time. Clear? So benediction का blessing meaning होता है, और इसको story form में हम कैसे याद कर सकते हैं? अगर आप लोगों ने कभी PTC पंजाबी देखा हो, चैनल देखा हो, तो वहाँ पर golden temple का पार्ट आता है. And if you see, आजकल translations होती हैं English में. Clear? तो वहाँ पे benediction word बहुत बड़ी use किया जाता है. So that means they're talking about the blessings from the God. So whenever you read something or you watch something, always try to observe the words. क्लियर? तो कहीं ना कहीं से आप उसको खुद से अपनी स्टोरी क्रिएट कर सकते हो, उतना ही आपको इजी रहेगा रिटेन करना. नेक्स्ट इज बेनेवोलेंट. बेनेवोलेंट इज रेफर टू अ पर्सन हु इज वेरी काइंड, जो दूसरों की तरफ बहुत मददगार होता है, बहुत काइंड होता है, बहुत दयालु होता है. दैट पर्सन इज बेनेवोलेंट. ऑलराइट, नेक्स्ट रूट वर्ड इज मैन. सो मैन इज अ रूट वर्ड विच मीन्स नेगेटिव. तो जहाँ पर भी आपका मैन वर्ड होगा वो नेगेटिव सेंस में ही जाएगा. फर्स्ट वर्ड इज मैलन्यूट्रिशन. इट इज़ वेरी सिंपल. मैलन्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? लैक ऑफ न्यूट्रिशंस. क्लियर? नेक्स्ट इज मैलेडिक्शन. अगर बेनेडिक्शन का मीनिंग ब्लेसिंग्स होता है, तो मैलेडिक्शन का मतलब होता है कर्स, जिसको हम बोल सकते हैं श्राप. क्लियर? नेक्स्ट इज मेलोवोलेंट. अगर बेनोवोलेंट का मतलब होता है समवन इज वेरी काइंड, तो मेलोवोलेंट का मतलब क्या होगा? समवन इज वेरी अनकाइंड, नेगेटिव हो गया. नेक्स्ट इज मैलेफैक्टर. मैलेफैक्टर का मतलब होता है अ रॉन्ग डूअर, क्रिमिनल बेसिकली, जो दूसरों को नुकसान पहुंचाता है, दूसरों की मदद नहीं करता है, दूसरों को हार्म करता है. सो दैट पर्सन इज मैलेफैक्टर. सो टुडे वी हैव कवर्ड टू रूट वर्ड्स. वन इज बेन एंड अदर इज मैल. फॉर अनदर इंटरेस्टिंग रूट वर्ड्स एंड ग्रुप वर्ड्स, स्टे ट्यून्ड. थैंक यू.